देखने में आ रहा है कि हमारा टीकाकरण जितना हमारा लक्ष्य है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। गाँव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वो इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो इसमें हम लोग अपने लक्ष्य के अनुरूप काम करने में सफल हो सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। कोरोना टीकाकरण को लेकर कई सारी बातें पूरे बिहार में होती है। एक तरफ जहां कहा जाता है कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और इसे हर व्यक्ति को लगवाना है कोरोना के टीके को, लेकिन कोरोना टीकाकरण की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कई सारे सेंटर्स हैं जहां पर कोरोना का टीका नहीं मिल पाता है, लोग परेशान होते हैं। ऐसी ही खबर मोतिहारी से आई है, जहाँ पर कोरोना का टीका हर रोज़ बर्बाद होता है। आप खुद समझिए कि कई लोग टीकाकरण नहीं करवा पाने की वजह से परेशान हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर टीका बर्बाद हो रहा है। खबर दरअसल मोतिहारी के रक्सौल से है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन विगत एक सप्ताह से रक्सौल के टीकाकरण केंद्र को छोड़कर अन्य ग्रामीण इलाकों में 45 प्लस का टीकाकरण किया जा रहा है। 18 प्लस में जागरूकता दिखी है, पर 45 प्लस के लोगों में जागरूकता नहीं दिखी है। 5 केंद्र पर टीकाकरण होने के बाद भी समय पर लोगों को टीकाकरण नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से 4-5 डोज वैक्सीन हर दिन बर्बाद हो रहे हैं। इसकी जानकारी खुद रक्सौल के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसके सिंह ने दी है। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। पहले जो हमारा टीकाकरण हो रहा था, वो हम यहाँ पर जो रक्सौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके द्वारा चिन्हित किया गया जो टीसीटीसी कॉलेज है, उसमें हम करा रहे थे। उसमें हम 45 प्लस का टीकाकरण करवा रहे हैं। अभी 45 प्लस के लोगों में काफ़ी जागरूकता की कमी है और जिसके वजह से कम लोग आ रहे हैं और लाभ कम लोग उठा रहे हैं। उसी तरह हमारी अभी 4 टीकाकरण के लिए 4 जगह, इसके अलावा हम लोग जैसे ब्लॉक वाइज, ये पंचायत वाइज और आंगनवाड़ी सेंटर जो है उसके वाइज 4 जगह हम लोग टीम लगाए हुए हैं। उसमें भी 45 प्लस का टीकाकरण हमको करना है, जिसके लिए हम लोग एक दिन पहले वहाँ का प्लान हम लोग न्यूज़ में देते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि को सूचित करते हैं, वहाँ के बीएलओ को सूचित करते हैं, वहाँ के आंगनबाड़ी सेविका, वहाँ की आशा, सबको सूचित करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखने में आ रहा है कि हमारा टीकाकरण जितना हमारा लक्ष्य है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी समय समय पर जा करके और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिर भी लोग उसके लिए जितना आना चाहिए लाभार्थी को, उतना नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे हमको लग रहा है कि जनप्रतिनिधि, यदि जो हमारे मुखिया और बड़े बड़े जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वो इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो इसमें हम लोग अपने लक्ष्य के अनुरूप काम करने में सफल हो सकते हैं। अभी तक जो हमारा 1 हफ्ता 10 दिन से जो काम हो रहा है, वो हम लोग लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, पर हम लक्ष्य अचीवमेंट के लिए अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो रहा है। रोज़ देखिए 4 जगह होने के चलते, मान लीजिए कि किसी जगह पे जैसे एक भाइल में हमारा 10 डोज देना है, वहाँ पर 9 आदमी इकट्ठा हो गया और वो काफ़ी मतलब कह रहा है, परेशान कर रहा है कि नहीं, हम 9 आदमी हैं, हम क्या जानते हैं कि एक आदमी आएगा कि नहीं, हमको दिया जाए, हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम लोग गाँव में, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी जितना काउंसलिंग करते हैं लोग नहीं मानते हैं तो लगा देते हैं। उस परिस्थिति में हमारा 1 डोज नुकसान हो गया, तो 4-5 जगह होने के चलते 2-3 डोज हमारा डेली नुकसान इस समय अभी के ये में जो 4 सत्र चल रहा है, 5 सत्र उसमें हो पा रहा है। तो आपने खुद डॉक्टर को सुना, पीएचसी प्रभारी हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से टीका जो है वो हर दिन 4-5 डोज बर्बाद हो रहा है। आप समझिए कि 4-5 डोज बर्बाद होने का मतलब है कि 4-5 लोग टीकाकरण की सुविधा से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कारण भी बताया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सरकार के अधिकारी हैं, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि कोरोना का टीका बर्बाद भी ना हो और लोगों को समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।